Good morning, all of you. This is Ritu Sidana, your SSC teacher. Today we continue our chapter 11 from objective of UN. UN के objective क्या होते हैं, जो United Nation है उनके objective क्या है, यहाँ से हम लोग start कर रहे हैं. So the main objective of the UN are, जो objectives हैं, main objective हैं UN के, United Nations के, वो क्या है? Maintenance of international peace and security. जो international level है उसमें peace, जो बिल्कुल कह रहे हैं शांति और security, सुरक्षा जिसको बोल रहे हैं, वो international level पे maintain करना. फिर promotion of friendly relation among members nation. वो कह रहे हैं भी जो फ्रेंडली रिलेशन है आपस में नेशंस में बने रहे, उनको उसके लिए प्रमोट करना. नेक्स्ट वो कह रहे हैं अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन की भी जरूरत होती है, तो उसका अचीवमेंट उनको कितना मिला है, कितना मिल सकता है, इसके बारे में भी उनको, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है. प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं भी जो हर ह्यूमन बींग को राइट्स मिलते हैं उसको प्रमोट करना, लोगों के क्या ह्यूमन राइट्स हैं उनको बताना और उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके ऑर्गन्स हैं जो, वो कितने हैं? 6 ऑर्गन्स हैं. जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट जनरल असेंबली. जनरल असेंबली क्या है और उनके क्या वर्क होते हैं. द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूएन. वो कह रहे हैं जो जनरल असेंबली है वो मेन, जो मेन बॉडी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, जो मेन जो बॉडी होती है, मेन बॉडी का मतलब है जो सारे वर्क करते हैं जनरल असेंबली उसके थ्रू होते हैं. ऑल द मेंबर नेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस असेंबली. इस असेंबली में जो जनरल असेंबली है उसमें जो नेशंस, जो नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके सारे मेंबर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं. डिसीजंस रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन आर टेकन हियर. जो भी इश्यूज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं यूएनओ के द्वारा लिए जाते हैं, वो जनरल असेंबली के ही थ्रू लिए जाते हैं. दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द वोट्स ऑफ द मेंबर नेशन. जो इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, जो नेशन के मेंबर्स हैं उनके वोट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं. तो वो सबसे पहले कह रहे हैं जो जनरल असेंबली है वो यूएन की मेन बॉडी है, सारे जो मेंबर हैं नेशंस के मेंबर हैं वो इसी असेंबली में रिप्रेजेंट होते हैं, और कोई भी इश्यूज होते हैं, कुछ भी डिसीजंस लेने होते हैं किसी भी रिगार्डिंग, तो वो क्या होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो इसी में ही जनरल असेंबली के थ्रू ही लिए जाते हैं. सेकंड नंबर इज सिक्योरिटी काउंसिल. द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और सिक्योरिटी, पीस होती है शांति जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा, उसको मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होता है. इट कंप्राइजेस 15 मेंबर. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स, 5 ऑफ विच आर परमानेंट. वो कह रहे हैं 15 मेंबर इसमें होते हैं जिसमें से 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं. द 5 परमानेंट मेंबर्स, अब इसके जो कौन से 5 परमानेंट जो मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर में से जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द यूएसए, द यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना हैव द वीटो पावर. वो कह रहे हैं जो ये 5 वो कंट्रीज के नाम बता रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूके के, यूके के नहीं, यूएन के, यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं इसके, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं 5, वो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना हैव द वीटो पावर. वीटो पावर होती है जो एक तरह की पावर होती है जो इन कंट्रीज को मिली हुई होती है.
नेक्स्ट वो कह रहे हैं विच लिटरली मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, आई डिनाई भी, मैं मना भी कर सकता हूँ. सो इफ एनी वन मेंबर वोट्स अगेंस्ट एन इशू बीइंग डिस्कस्ड, अगर कोई मान लो कोई इशू कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई इशू होता है, अगर एक मेंबर भी उनके अगेंस्ट वोट कर देता है तो वीटो पावर होती है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी पास्ड भी, मतलब वो ये भी कह सकते हैं भी ये पास नहीं है. द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 years. वो कह रहे हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 years के लिए होता है. जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली की, जो द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द, किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, जनरल असेंबली के थ्रू. जो नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं, जनरल असेंबली जिनको चूज करता है उनका टर्म पीरियड कितने इयर्स का होता है, 2 years का. उसके बाद थर्ड नंबर इज सेक्रेटरेट. सेक्रेटरेट होता है, द सेक्रेटरेट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन. इट इंक्लूड tens of thousands of international UN staff members. वो कहते हैं ये जो अपना वर्क है ये डे टू डे वर्क लेके चलते हैं यूनाइटेड नेशन के, इसमें 10 से लेके 1000 जो स्टाफ, इनका इतना स्टाफ हो जाता है जो 10 से लेके वो कह रहे हैं 1000 members तक का होता है. द सेक्रेटरेट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल. जो सेक्रेटरेट का जो जो हेड करता है वो कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल, हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली. जिसको भी कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करता है. हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड 2 years का होता है, लेकिन जो सेक्रेटरेट में जो जनरल असेंबली अपॉइंट करता है उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 years का, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जिनको सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है. फोर्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. The International Court of Justice, situated in The Hague, the Netherlands, is the main judicial organ of UN. जो वो कह रहे हैं International Court of Justice है कहाँ situated है, हाग में, जो कहाँ है, Netherlands में. Is the main, ये जो UN का main organ है, judicially organ मतलब यहाँ पे जो justice का जो काम करते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट इनकी कहाँ है, हॉज में, जो नीदरलैंड में है. इट हैज 15 जजेस इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years. अब इसमें कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं जिनका टाइम पीरियड कितने इयर्स का होता है, 9 years का होता है. इट सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, गिव एडवाइस ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स. वो कहते हैं ये क्या करते हैं, इनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या वर्क होता है, ये जो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स, मतलब कोई वाद विवाद होते हैं कंट्रीज के बीच में, कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई वाद विवाद हो जाते हैं आपस में, किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं, तो ये गिव एडवाइस ऑन इंटरनेशनल लॉ. ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या है, एडवाइस करते हैं, उनको सेफगार्ड करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, जो उनको राइट्स मिले हुए होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके आपस में डिस्प्यूट को सेटल डाउन भी करते हैं, मतलब जो आपस में वाद विवाद होता है उनको आपस में समझौता भी करवाते हैं. फिफ्थ नंबर इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूएन डील्स विद इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू. अब जो ये वाली काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, नाम से क्लियर है, यूएन से डील करती है अगर उनके कोई भी किसी भी तरह के आर्थिक, सामाजिक या जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक हुआ, सोशल सामाजिक हुआ, एंड एनवायरमेंटल जो हमारे जो प्राकृतिक इशू होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं उनमें क्या है, ये उसके बारे में डील करते हैं. एंड अदर डेवलपमेंट गोल, अगर और कोई डेवलपमेंट कुछ भी होना होता है तो उसके बारे में ये क्या है, उनपे डील करते हैं. अब इसके मेंबर्स की बात करें, इट हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years.
ये जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है और इनका टाइम पीरियड 3 ईयर्स का होता है। अब देखिए ये अलग अलग जो ऑर्गन्स है यूएनए के, इनका टाइम पीरियड भी बताया है और इनको कौन इलेक्ट करता है और प्रॉपर ये किन बातों में इश्यूज पे डील करते हैं, ये सब बताया है। अब ये हमारा है 5th इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप जैसे हमारे नाम से ही है, ट्रस्ट जिन पे हम करते हैं। इन 1945 द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। अब वो क्या कर रहे हैं, जो 1945 में है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो एस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए हुआ था, क्योंकि ये जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज है ये इनको इंटरनेशनल सुपरविजन प्रोवाइड करवाता है। कौन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। दीज ट्रस्ट टेरिटरीज अटेंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय 1990। अब वो क्या करते हैं, जो ये वाले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो दीज ट्रस्ट टेरिटरीज अटेंड, इनको क्या मिला, इन्होंने क्या टू गेट का मतलब प्राप्त किया, इन्होंने क्या किया ट्रस्ट टेरिटरीज ने, सेल्फ 1994 में जो इंडिपेंडेंस इनको जो इनको मिली। द काउंसिल इज थस नो लॉन्गर फंक्शनल एंड हैज एग्रीड टू मीट ओनली इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। वो कह रहे हैं जो काउंसिल, ये वाली काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये ज़्यादा लंबे समय तक वर्क नहीं करती है एंड हैज़ एग्री टू मीट ओनली, अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है तभी ये लोग मीटिंग करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करते हैं। सबसे पहले इसके यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के 5 मेन ऑर्गन्स थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल बाद में ऐड हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो यूएन के ऑर्गन्स है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम बताएंगे 6 ऑर्गन्स होते हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इनका टाइम पीरियड होता है सिक्योरिटी काउंसिल्स का 2 ईयर्स का, है ना, और उसके बाद में जो सेक्रेटरीट है उनका 5 ईयर्स का होता है टाइम पीरियड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 9 ईयर्स के लिए, जो इनके जजेस होते हैं 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल में जो ये काउंसिल है, ये ट्रस्ट टेरिटरीज जो होती हैं ये तभी एग्री होते हैं मिलने के लिए अगर वो रिक्वायरमेंट होती है तभी। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूएन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपर्स के बारे में वो बता रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन हैज अ पीस कीपिंग फोर्स विच इट सेंड्स टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जब इंटरनेशनल लेवल्स पे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक फोर्स होती है, जो जिसको शांति की स्थापना के लिए बनाया जाता है, पीस कीपिंग जिसको बोलते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी आपस में डिस्प्यूट्स, वाद विवाद हो जाते हैं तो उनको सेंड करते हैं। These forces are called out when the opposing party cannot arrive at a solution that benefit everyone. मतलब जब तक opposition के जो सामने party के लोग होते हैं वो क्या है, किसी भी solution पे नहीं पहुंच सकते जिसमें सबका benefit हो, जब तक नहीं पहुंच पाते तब ये forces work करती हैं। The UN sent its peacekeeping forces on the approval of the Security Council. जो United Nation है वो peacekeeping जो force होती हैं तभी सेंड भेजती है, जब क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल उनको अप्रूव करता है तभी भेजते हैं। सम ऑफ द गोल्स ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स आर, इनके क्या गोल होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है इनके क्या होते हैं, इनके जो गोल होते हैं, गोल का मतलब लक्ष्य होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कोई भी आपस में टकराव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है। प्रोटेक्ट सिविलियंस, जो वहाँ के सिविलियंस होते हैं, नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमंस के राइट होते हैं उनको प्रमोट करना, जो उनके अधिकार होते हैं उनको प्रमोट करना। अब स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, पहले हमने ऑर्गन्स पढ़े थे यूनाइटेड नेशन के, आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, उनके बारे में बता रहे हैं। इन एडिशन टू द 6 मेजर
ऑर्गन्स, वो कह रहे हैं जो यूएन के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं उनके साथ साथ यूएन हैज़ मैनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यूएन की स्पेशलिस्ट एजेंसीज भी होती हैं, ईच एजेंसी वर्क इन अ सर्टेन एरिया, इनकी जो एजेंसी है वो स्पेशल क्या है, पर्टिकुलर एजेंसी है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं वर्क करती हैं. लुक एट दिस फैक्ट. UNICEF influences the lives of 1 in 3 children on this planet every day. अब वो बता रहे हैं कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जिसमें बताया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके नाम से ही क्लियर है ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, तो ये हेल्थ से रिलेटेड लोगों की प्रॉपर हेल्थ, पॉसिबल हेल्थ वो इनकी इस पे वर्क करती है. फिर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड वर्क करती है. जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये क्या करती है, चिल्ड्रन से रिलेटेड उनके एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड वर्क करती है यूनिसेफ. ये मेन एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी बोलते हैं. उसके बाद में यूनेस्को है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये इम्प्रूव एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, जो पूरे है वर्ल्ड में, ये क्या करती हैं, इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती हैं. और ILO, जो लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करती हैं लेबर से रिलेटेड, ILO, ये भी हम इसको रीड कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. ये हमें लर्न करना पड़ेगा, ये मेन नेम ऑफ एजेंसीज हैं. अब इनके वर्क देखते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहले WHO है, W मीन वर्ल्ड, H means health organization, O means organization, World Health Organization. The WHO aims to achieve the highest possible level of health for all people. WHO का जो main motive होता है वो highest level, लोगों की health से related highest possible level को achieve करना होता है. It works to eradicate epidemics and provide medical care. ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जब कुछ सब कुछ, eradicate का मतलब होता है जब कुछ सब कुछ completely खत्म हो चुका होता है, तो ऐसे टाइम में जब कोई वर्ल्ड वॉर होते हैं या कोई होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाते हैं. इट ऑल्सो कंसर्न विद एरियाज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ये जो उन एरियाज में फूड और जो न्यूट्रिशन है उनके भी उस चीज़ में भी कंसर्न रहते हैं. केयर ऑफ एल्डर्स, बड़ों की केयर करते हैं, चाइल्ड केयर एंड सो ऑन, बड़ों की केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं एंड सो ऑन. ये WHO का वर्क था. अब नेक्स्ट हमारा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. द मेन टास्क ऑफ FAO आर हेल्प इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड एंड स्टारवेशन. वो कह रहे हैं जो FAO का मेन टास्क क्या है, इसका मेन टास्क है फूड प्रोडक्शन, जो खाने की चीजें होती हैं उनको इम्प्रूव करना एंड एंड स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब होता है जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, जिसको भूखमरी भी बोलते हैं, जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, उनके उनकी हेल्प करना, उनके फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना. जो लोग खाने से, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना. फिर है नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं. यूनिसेफ का वर्क होता है फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग कंसर्न रिगार्डिंग देयर एजुकेशन एंड हेल्थ. यूनिसेफ का मेन वर्क होता है भी चिल्ड्रंस को राइट मिलना, किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन और हेल्थ से रिगार्डिंग. इट ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर्स. वो कह रहे हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये मतलब एफर्ट्स करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, भी उनको बैड कंडीशन से, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान जिस मान लो पूरी बुरी कंडीशन से सफर करते हैं, है ना, उनको क्या है, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर, उन बच्चों और मदर्स का ध्यान रखना, उनको प्रोवाइड करवाना ह्यूमैनिटेरियन.
अब नेक्स्ट यूनेस्को का वर्क क्या है? यूनेस्को हेल्प इन इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड. यूनेस्को क्या करता है? एजुकेशन को इम्प्रूव करता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट अराउंड द वर्ल्ड. वो यूनेस्को क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्ट करता है जो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स होती हैं वर्ल्ड में, उनको जो यूनेस्को है वो एजुकेशन का भी ध्यान रखता है और जो हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. The ILO seeks to promote better working condition and standards to work in the world. अब ये क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये क्या करते हैं, जो वर्क कंडीशंस होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं, उनको सही करते हैं. एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में वर्क करने का स्टैंडर्ड है उनको बेटर कंडीशन से इम्प्रूव करते हैं. It also works to promote equal opportunity and abolition of forced labor. वो लेबर जो होती है, जो छोटे जैसे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो वर्क करते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको वर्क नहीं करने दिया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको काम करने की अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है. उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो टेम्प्रेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्री. ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल जो है प्रोवाइड करवाते हैं, टेम्प्रेरी फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड करवाते हैं, असिस्टेंट टू कंट्री विद एन एम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. ताकि क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले कंट्री में, तो ये उसको इम्प्रूव करते हैं. तो ये हैं एजेंसीज जो UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बारे में बता रहे हैं. इंडिया एंड द UN, अब वो बता रहे हैं भी इंडिया और UN के जो आपस में रिलेशन है वो कैसे हैं. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द UN. इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है UNO का, इट ज्वाइन, अब इन्होंने कब UN ज्वाइन किया, 30 अक्टूबर 1945 को. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स फॉर द UN पीस कीपिंग फोर्स. उसका क्या है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. इंडिया हैज पार्टिसिपेट इन मैनी UN पीस कीपिंग मिशंस टू वेरियस कंट्रीज सच एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, रवांडा एंड साइप्रस. ये क्या करते हैं, जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट उन्होंने बहुत बार किया है जो UN का पीस कीपिंग जो मिशन है, जो बहुत कंट्रियों में जो एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया ने क्या है पार्टिसिपेट किया है. किसके साथ, UN के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ. अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू UNR, और बता रहे हैं भी कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वो बता रहे हैं इंडिया के रिगार्डिंग. फर्स्ट इज विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली. जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उनकी फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट कौन रही इंडिया से, विजय लक्ष्मी पंडित. ये फैक्ट्स बता रहे हैं. फ्रॉम 1985 टू 1988 डॉक्टर नगेंद्र सिंह ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं भी 1985 से 88 तक जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह है इंडिया से, उन्होंने एज अ प्रेजिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. किन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने इंडिया से. नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फ्रॉम 2011 टू 13. जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने एज अ चेयरपर्सन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरपर्सन एज अ वर्क किया है. किसमें, काउंटर टेररिज्म कमेटी में 2011 से 13 तक. अनिरुद्ध राजपूत वॉज इलेक्टेड बाय, अब जो अनिरुद्ध राजपूत हैं ये इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं. अनिरुद्ध राजपूत इलेक्ट हुए हैं UN जनरल असेंबली एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 2016. जो अनिरुद्ध राजपूत हैं UN जनरल असेंबली के मेंबर इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 2016 में मेंबर थे. अनीता भाटिया वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी
डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन, जो क्या है, यूएन ऑर्गन फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन इन 2019. जो अनीता भाटिया है वो डीईडी जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूएन की वुमेन रही है. जो क्या है, जो एक इक्वालिटी इम्प्रूवमेंट होती है जिसमें वुमेन्स को हमेशा इक्वालिटी मिलती है एम्पावरमेंट वुमेन, उसमें 2019 में वो मेंबर रही हैं. अब एक ओवरव्यू